केमिस्ट्री आया तो क्या केमिस्ट्री आया तो आसपास ओके बस 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 हो गई एक्सपर्ट एडवाइस वापिस आ जाइए अभी वापिस आ जाइए अभी नहीं देखा उधर तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे हम मोशन के बारे में बात कर रहे थे तो आप कब कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को इन मोशन क्या आप लोग मोशन में नहीं am I in motion yes 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 I am in motion मैं इधर से उधर आ रही हूँ मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है मैं चार कदम इधर चली मैं चार कदम इधर आ गई मेरे पास में आ रही है बात समझ में मोशन क्या है हमारे पास में व्हाट इज मोशन मैंने ना ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन changes its position continuously हम कब कहेंगे हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है हम कहेंगे जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है क्या कर रहा है चेंज कर रहा है बट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या आप कह सकते हैं ऑब्जर्वर आप कह सकते हैं ऑब्जर्वर लाइक मैं अभी मोशन कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू यू ऑल तुम सब एक जगह पे बैठे हुए हो ये लाठी एक जगह पे बैठा हुआ है ये चेयर एक जगह पे बैठी हुई है ये बोर्ड एक जगह पे बैठा हुआ है ओनली आई एम मूविंग विद रिस्पेक्ट टू यू ऑल क्यों मैं तुम लोगों के हिसाब से कैसे चल रहा है मोशन कर रही हूँ अभी मैं इस बोर्ड से कुछ 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर तो कम बोल दिया मैंने मतलब कुछ 30 सेंटीमीटर के आसपास मान लो मैं इतनी दूरी पे मैं मूव करके यहाँ पे गई अब मेरा क्या हो गया अब मेरा इससे डिस्टेंस कम हो गया तुमसे डिस्टेंस बढ़ गया इस लैपटॉप से डिस्टेंस बढ़ गया आ रही बात समझ में तो इसलिए मैं मोशन में हूँ क्यों मैं अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रही हूँ किसके रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट टू माय सराउंडिंग आ रही बात सराउंडिंग में क्या है आसपास का सारी चीजें आ जाती है चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो क्लियर ठीक है साइंस की वो ब्रांच जो इस मोशन के बारे में पढ़ती है उसे कहते हैं हम डायनामिक्स क्या कहते हैं डायनामिक्स पार्टिकुलर जो चेंज इन मोशन के बारे में पढ़ रही है वो है आपके पास में डायनामिक्स ठीक है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो दो कंडीशन में हो सकता है एक क्या रेस्ट और एक मोशन ऑब्जेक्ट क्या है दो कंडीशन में हो सकता है एक रेस्ट और एक मोशन ठीक है ओके नाउ टेल मी movement of earth around the sun is it in rest or in motion चाहे वो revolution कर रही है वो rotation कर रही है वो अपने ही axis में घूम रही है चाहे पर क्या कर रही है revolve कर रही है motion कर रही है continuously position change कर रही है ऐसी rotation अगर वो कर रही है तो rotation में भी क्या वो motion कर रही है yes और वो घूमे जा रही है क्या रोटेशन कर रही है रोटेशन इज लाइक दिस क्या उसका पोजीशन चेंज हो रहा है नहीं तो क्या वो मोशन में है अगर हम उस एक्सिस के अलॉन्ग देखें कौन सी एक्सिस जिसमें वो मूव कर रही है अगर आप इस एक्सिस में देखो तो इस एक्सिस के अलॉन्ग ये मोशन कर रहा है हमारे पास पर बाकी किसी के अलॉन्ग मोशन नहीं कर रहा है हमारे पास आ रही बात समझ में ऐसे देखो पेड़ का पत्ता हवा से हिल रहा है पर क्या हमें वो हर वक्त मोशन में नजर आता है नहीं हवा से तो हर वक्त हिलता रहता है क्या हमें मोशन में नजर आता है तो कहने की बात ये है कि हम किसी भी चीज को एब्सोल्यूट मोशन में नहीं कह सकते एब्सोल्यूट मोशन में हम किसी चीज को नहीं बता सकते कि दिस थिंग इज इन एब्सोल्यूट मोशन यू कांट से दैट ठीक है प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट मोशन डज नॉट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली एब्सोल्यूट मोशन डज नॉट एग्जिस्ट क्या है बात लेकिन लेकिन अर्थ को घूमती है ना अर्थ को घूमती रहती है रिवॉल्यूशन के टाइम पे वो मोशन घूम रहे
रोटेशन इफ यू कंसिडर ओनली ऑन रोटेशन. इस पंखे का अगर मैं बोलूं इसका जो मेरे पास में रॉड है क्या वो रॉड मोशन कर रहा है? अब घोड़ा मैं बताती हूँ, जो मोटर होती है उसके अंदर एक्सल होता है और एक्सल के अंदर ही घूमता रहता है. अब तुम्हारे लिए तो वो रेस्ट पे है पर एक्चुअल में तो वो मोशन कर रहा है ना कुछ है कि नहीं? यस और नो? इसलिए कहते हैं कि एब्सोल्यूट मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिफाइंड बट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. समझ में आ गई बात? अब मोशन जो है वो तीन तरीके से होता है. मोशन आपके पास में तीन तरीके से होता है. वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन. डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस है आपके पास में जिसके अकॉर्डिंग आप उसको मेजर कर सकते हैं. डायमेंशंस क्या है? जिसके अकॉर्डिंग आप उसको मेजर कर सकते हैं. जैसे मैंने ये लाइन खींची, इसको मैं क्या करूंगी, मैं स्केल लगाऊंगी और मैं इसको यहाँ पे साइज मेजर कर सकती हूँ. क्या ब्रेड साइज मेजर कर सकती हूँ? नहीं. क्या हाइट वाइज मेजर कर सकती हूँ? नहीं. पर ये जो मेरे पास बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं लेंथ वाइज, ब्रेड वाइज, हाइट वाइज मेजर कर सकती हूँ मैं, है कि नहीं? तो ये डायमेंशन होते हैं हमारे पास में. तो ऐसे आप डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन. मतलब जब किसी मोशन आप सिर्फ एक ही डायमेंशन के अलावा मेजर कर सकते हैं. क्या है वन डायमेंशनल मोशन? जब किसी ऑब्जेक्ट को आप एक ही डायमेंशन के अलावा वो मेजर कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम वन डायमेंशनल मोशन. ठीक है, क्या कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन. और उसमें क्या आता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओनली. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. व्हेन टाइम के अलोंग आपके पास में मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइम के अलोंग जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो है हमारे पास वन डायमेंशनल. ये मार्कर मेरा यहाँ पे, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ती हूँ तो ये मार्कर ए आएगा नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे आ रहा है. ऐसा तो नहीं मैंने मार्कर को छोड़ा ही, कहता नहीं होगा मैं ऊपर भाग गया या इधर भाग गया आके मेरे में ही घुस जाए. इज इट पॉसिबल? नहीं है ना पॉसिबल. तो मोशन क्या है? एक ही डायमेंशन के अलोंग हो रहा है. क्या डायमेंशन है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास में कि भाई अभी दो सेकेंड पहले यहाँ था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम दो सेकेंड बाद कहाँ पहुंच गया? आ रही बात समझ में? ऐसे एक ट्रेन चल रही है, स्कूटर चल रहा है हमारे पास में, एक ही डायमेंशन में मोशन हो रहा है. ऐसा तो नहीं ट्रेन कहेगी नो आई डोंट वांट टू गो दिस साइड, आई वांट टू टर्न, और फटाफट टर्न कर ले. इज इट पॉसिबल? है कि नहीं? तो वो मोशन जो एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड है आपके पास में, या जो एक ही डायमेंशन के अलावा मेजर किया जा सकता है जैसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे कहते हैं हम वन डायमेंशनल मोशन. उसे कहते हैं हम वन डायमेंशनल मोशन. बात करें टू डायमेंशन की तो मतलब आपके पास दो वेरिएबल क्वांटिटी है हमारे पास में, जहां पे कि आप उसको टू डायमेंशन में मेजर कर सकते हैं. इसको समझो कोऑर्डिनेट सिस्टम से. इसको समझो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से. मान लो ये आपका जो है वो कैरम बोर्ड है, ये आपके चार गोले हो गए, ये बीच में आ गया कैरम का, ये आ गया मेरे पास में. ठीक है, अब मैं जो है वो यहाँ पे स्ट्राइकर से मैंने यहाँ पे रानी को मारा, मेरी रानी यहाँ पे आ गई. ठीक है, मेरी रानी यहाँ पे आ गई. अब इस रानी की पोजीशन अगर मुझे बतानी हो तो इस रानी की पोजीशन में कैसे बताऊंगी? 2 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एज, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एज, कुछ इस तरीके से बताऊंगी, है कि नहीं? हमारे पास में जब तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास इन्वॉल्व है, जब तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास इन्वॉल्व है हमारे पास में एक्स वाई जेड. जैसे देखो सबसे आसान है समझने का, आपको पता है कि अगर ये कंटेनर है और इसके अंदर मैंने गैस बबल्स रखी, गैस मॉलिक्यूल्स छोड़ दिए, तो गैस क्या करती है? हर डायरेक्शन में जाती है, एक जगह तो नहीं रहती है. मैंने गुब्बारे में हवा भरी, क्या होगा? ऐसा तो होता है हवा भर लू तो हवा यहीं पे होगी, हवा पीछे जाएगी, उसे दीवार से टकराएगी, गुब्बारे की टकरा के वापस आ गया, इधर गई, उधर, हर डायरेक्शन में जा रही है हमारे पास में, है कि नहीं?
और इस तरह का जो मोशन होता है हमारे पास में, इस तरह का जो मोशन होता है हमारे पास में उसे कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन. क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल मोशन. एक बार इसको माइंड में रिवाइज करो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. दीदी एक कब आ गया आपके पास ये कुत्ता? यार ये कुत्ता है नहीं. आई डोंट नो. जाते दिखा देना इसको अभी कुछ. चलिए ठीक है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे बताओगे कि वो हमारे पास में क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है या फिर हमारे पास में टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है. मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक क्या होगा? मोशन ऑफ टाइम. फर्स्ट डायमेंशन. वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक क्या आएगा? वन डायमेंशनल हमारे पास में. मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग पाथ ए बी ये क्या होगा आपके पास में? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग पाथ ए बी जिसमें के वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल. मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग ए बी, एक पार्टिकल है ए बी के अलोंग मूव कर रहा है, वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल. एक्स नहीं है ना? अरे एक्स उसकी एक्स पार्टिकल है. ये टू डायमेंशनल है. टू डायमेंशनल है पार्टिकल का मोशन कैसे? वन डायमेंशनल कैसे कैलकुलेट करेगा पार्टिकल का मोशन? ये एक्स पार्टिकल मान ले यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, ये यहाँ से मूव करके पार्टिकल एक्स यहाँ पे पहुंचा. चल छोड़ एक्स को भी भगा दे. अगर यहाँ से कोई एक पार्टिकल जा रहा है, ये मेरा पार्टिकल कहता है मैं जाऊंगा तक 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 जा रहा है, तो इसका मोशन वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल. वन डायमेंशनल है ना हमारे पास में क्योंकि वो तो ऐसे ही मूव कर रहा है हमारे पास में. हम लेंथ वाइज ही मेजर करेंगे ना उसको, हम कोई ब्रेड वाइज तो नहीं देख रहे हैं उसको, लेंथ वाइज दे रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं देख रहे हैं यहाँ पे. समझ में आ रही है बात? सबसे पहले तो ये पहचानना सीखो 1D है, 2D है, 3D है आपके पास में. मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है? वन डायमेंशनल प्लैनेट. भाई ये सूरज दादा, ये रहे सूरज दादा. यहाँ आपके पास में एक्सेस है भाई, ये एक्सेस है, यहाँ कोई प्लैनेट घूम रहा है. तो इस प्लैनेट का जो मोशन होगा वन डायमेंशनल कैसे हो गया? उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले इधर जा रहा था फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया. वन डायमेंशनल है नहीं हमारे पास में. अगर हमें इसका मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? इसको मान लेते हैं ओरिजिन, तो हम एक्स और वाई के अलोंग में बताएंगे इसको कि कहाँ पे हमारे पास में. तो ये क्या है आपके पास में? टू डायमेंशनल मोशन. ओ बेटा ये क्या है आपके पास में? टू डायमेंशनल मोशन. समझ में आ रही है बात? ऐसे ही अ बर्ड फ्लाइंग इन इन एयर, बताओ ये पक्षी महाराज का मोशन क्या है? ये थ्री डायमेंशनल. एग्जैक्टली इनका मोशन क्या होगा? थ्री डायमेंशनल होगा हमारे पास में. क्या होगा? थ्री डायमेंशनल. क्यों? क्योंकि ये मोशन कैसा करेंगे? जिगजैग. मोशन कैसा करेंगे? जिगजैग करेंगे भाई. ये पे नहीं जाएंगे, सीधे डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, है कि नहीं? सीधे जाएंगे तो भी दो एक्सेस बन गए और एक जमीन से हाइट बन गई हमारे पास में. तो मोशन कैसा हो गया? थ्री डायमेंशनल. मोशन कैसा हो गया? थ्री डायमेंशनल. याद रहेगी बात पक्का वाली? चलिए नहीं समझ में आई? ठीक है, ये तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमने मोशन को जो है वो क्लासिफाई कर दिया. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की. किसकी? टाइप ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन की. मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? तीन. तीन टाइप्स के मोशन. कितने टाइप्स के हैं? तीन. कौन कौन से? टू डायमेंशन. वो तो हमने डायमेंशन के अकॉर्डिंग बता दिया आपके पास में. अब जनरल वे में अगर हम बताएं तो जनरल वे में मोशन आपके पास में क्या क्या होते हैं? इट्स लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. क्या क्या होते हैं आपके पास में? लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. दोबारा लीनियर मोशन, रोटेशन और ऑसिलेटरी. देखो लीनियर मोशन को आप रेक्टिलीनियर मोशन भी कहते हैं. आप कह सकते हैं मोशन क्या है हमारे पास में? मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ. यस, मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ. स्ट्रेट पाथ.
ऑब्जेक्ट जब एक पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है हमारे पास में, तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसा मोशन दे रहा है हमें? लीनियर मोशन दे रहा है. कैसा मोशन दे रहा है हमें? लीनियर मोशन दे रहा है. जैसे एक गाड़ी चल रही है हाईवे पे, स्ट्रेट रोड पे, कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन है. आप एथलीट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन है. कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन है आपके पास. नेक्स्ट देखते हैं रोटेशनल मोशन. अराउंड एन एक्सिस मोशन क्या है? अराउंड एन एक्सिस. अराउंड एन एक्सिस जब आपके पास मोशन हो रहा है, ऊपर पंखा चलता है. पंखा कैसे चलता है? एक एक्सिस है जिसके चारों तरफ पंखा आपके पास में चल रहा है. प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. ये सन फिक्स है, प्लैनेट इसके चारों तरफ घूम रहे हैं. हमारे पास में क्या है? रोटेशनल मोशन. क्या है? रोटेशनल मोशन. ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है हमारे पास में? वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है. ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है? मोशन दैट रिपीट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और अराउंड अ पर्टिकुलर टाइम. इसको हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम? टू एंड फ्रो मोशन. इसे हम टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं. जैसे कि क्या? मोशन ऑफ अ पेंडुलम. क्या? मोशन ऑफ अ पेंडुलम. टू एंड फ्रो मोशन. घड़ी का घड़ियाल जो घूमता है. टू एंड फ्रो मोशन. आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है फिर पीछे जा रहा है. हमारे पास में स्विंग. स्विंग क्या कर रही है? ऑसिलेटरी मोशन. झूला होता है ना आपका, स्विंग क्या कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मोशन. क्यों? वो सेम मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है विद अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. आगे बात समझ पक्का इतनी चीज ठीक है? तो आप देखो मोशन को आप पता कैसे पता करोगे? कोई ऑब्जेक्ट मोशन है. आई एम इन मोशन. व्हाई? आई एम मूविंग. दैट इज मूविंग का मतलब क्या है? कैसे बता रहे हो कि मैं मूव कर रही हूँ? हाउ कैन यू से दैट आई एम मूविंग? टाइप नहीं पूछ रही हूँ बेटा. आप कैसे कहोगे कि मैं मूव कर रही हूँ? क्या मैं अभी मूव कर रही हूँ? क्या मैंने अभी मूव किया? क्यों? What do you observe? That you are moving. I'm not asking about the position or the process. मैं पूछ रही हूँ आप कैसे justify कर रहे हो कि मैंने अभी motion किया? मूर्ति घूम 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 stop. आप कैसे पता करते हो कि अरे इसने जो है वो motion किया? या उसको क्या? हिला, उसकी position change हुई. आ रही है बात समझ में? कैसे पता कि आपने उसकी पोजीशन चेंज हुई है? तो सेम मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ. आई एम नॉट चेंजिंग माय पोजीशन फ्रॉम लास्ट 5-10 seconds. सो आई एम नॉट इन मोशन फॉर लास्ट 5-10 seconds. आई एम चेंजिंग माय पोजीशन. चेंजिंग माय पोजीशन मींस आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ मोशन. है कि नहीं? है कि नहीं? तो आपने क्या किया? मेरी पोजिशन को चेक किया. आपने क्या किया? मेरी पोजिशन को चेक किया. अब बात उठती है कितना पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया मैंने, कितनी पोजीशन मैंने चेंज कर ली अपनी. आ रही बात समझ में? तो ये हम मेजर करते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी से, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, राइट? एक क्लास में पढ़ चुके आपने. तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन पे कि हम मोशन को मेजर करते हैं या जिन पे आपका मोशन डिफाइन होता है, ये फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है. कैसी होती है? दो तरह की होती है हमारे पास. एक होती है स्केलर, एक होती है आपके पास में स्केलर, और एक होती है आपके पास में वेक्टर. एक होती है स्केलर और एक होती है आपके पास में वेक्टर. हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास में? दैट गिव्स यू अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली. स्केलर क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटीज जिनसे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता चलती है. मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू पता चलती है. आई मूव बाय 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड. न्यूमेरिक वैल्यू, इसका वजन कितना है? 10 ग्राम. न्यूमेरिक वैल्यू. तो जब हमें सिर्फ किसी चीज की न्यूमेरिक वैल्यू पता चल रही है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी. वो क्या है आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी. समझ में आई बात?
ठीक है, तो मैं स्केलर क्वांटिटी क्या है आपके पास में, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिफाइंड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली. That can be defined completely by its magnitude only. कोई भी physical quantity जिसको आप completely उसके magnitude से define कर सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? Scalar quantity. क्या कहेंगे? Scalar quantity. Quantity हमारे पास में, कि वो कैसी quantity है? Scalar. Scalar quantity है, कि आप उसको magnitude से define कर सकते हो. जैसे length of this marker. जब मुझे लेंथ को बताना है तो बस मैं यहाँ से यहाँ पे मेजर करूंगी और कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है मेरे पास में. तो लेंथ क्या हो गया आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी. लेंथ क्या हो गया आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. ऐसी अगर मैंने बोला मास ऑफ दिस मार्कर, तो मास पता करने के लिए क्या करूंगी? बस इसको मैं वेट कर लूंगी. अच्छा इतना मास है इसका, और कुछ तो करने की जरूरत नहीं है मेरे पास में. मास ऑफ दिस माउस बोला तो माउस का भी मैं वजन करूंगी स्क्रीन बैलेंस पे रख के. हाँ इतनी रीडिंग आ रही है भाई, इतना वजन है इसका, और कुछ इसका साइज वाइज तो नापने की जरूरत नहीं है मेरे पास में. तो वो क्या आ गया आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी. क्या आ गया आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी हमारे पास में. पर वेक्टर क्या होता है? जब दो चीजों पर डिपेंड करता है, किस पे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. किस पे डिपेंड करता है आपके पास में? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मतलब कोई क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन भी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ में प्रॉपरली डिफाइन होने के लिए, उसे क्या कहेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी. एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी that can be defined complete by its magnitude and direction. Completely only with magnitude and direction. भाई magnitude और direction जब आपने दोनों बताए तभी आप उसको जो है वो completely define कर सकते हो. तो हम कहेंगे हमारे पास में कि वो कैसी quantity है? Vector quantity. कैसी quantity आपके पास में? Vector quantity. समझ में आई बात? ठीक है, पक्का समझ में आई? जैसे तो बाकी चीजें तो आपने की नहीं है, वो भी टाइम के साथ करेंगे. एक चीज आप कर चुके हैं, फोर्स. तो फोर्स में क्या होता है आपके पास में? फोर्स को अगर मुझे डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करना है? देखो रस्सी खींचने वाला खेल चल रहा है, रस्सी खींच रहे, इधर से एक टीम लगा रही है, इधर से एक टीम फोर्स लगा रही है. ठीक है, अब हमें पता है दोनों टीम फोर्स लगा रही है, पर कौन फोर्स ज्यादा लगा रहा है ये पता करने के लिए हम क्या देखते हैं? रस्सा किस तरफ खींचा जा रहा है, है कि नहीं? है कि नहीं? तो फोर्स को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, हम ये भी देखेंगे कि डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में लग रहा है. समझ में आ रही है बात? तो फोर्स क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी. समझ में आ रही है बात? दोबारा समझ लो एक बार. अगर मान लो ये मार्कर है, ये तो है ही, मारने की जरूरत ही, मार्कर ये भैया हमारा. आई हिट दिस मार्कर फ्रॉम दिस साइड. मैं इधर से हिट कर रही हूं, ठीक है, मैं इधर से हिट कर रही हूं, मैं इधर हूं, हाथ हाथ एकदम टच कर. अब मैंने देखो इधर से हिट किया, अब वो मार्कर आगे नहीं गया, मतलब फोर्स तो लग रहा है पर इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है, तब तो वो रुक गया हमारे पास में, है कि नहीं? तो डायरेक्शन मैटर कर रहा है मेरे पास में, कि जब मेरा पूरा टोटल मोशन है वो डायरेक्शन के साथ डिफाइन हो रहा है, कि मेरे ऑब्जेक्ट ने मूव किया कि नहीं किया. नहीं किया भाई, क्यों नहीं किया? ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था हमारे पास में यहाँ से, इसलिए मूव नहीं किया हमारे पास में. समझ में आए? पक्का? स्केलर क्लियर? वेक्टर क्लियर? स्केलर जहां सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए आपको, उसके लिए आपको कोई और चीज नहीं चाहिए, वो है स्केलर क्वांटिटी हमारे पास. वेक्टर क्वांटिटी जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, बहुत अच्छे. मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए आपके पास? डायरेक्शन भी चाहिए. समझ में आ रही है बात? चलो इसका एक छोटा सा हम केस करते हैं. ये है मेरा घर, ये है मेरा घर,
खिड़की बना दी, बताओ कैसी खिड़की बनाएंगे, गोली गोली खिड़की। ये मेरा घर, बचपन का छोटे वाला प्यारा सा घर मेरा, ठीक है। अब यहाँ है भाई ऋषि, ये हमारा ऋषि, ये हमारा ऋषि। मैंने ऋषि को कहा, ऋषि बाय हुक एंड क्रूक कि 4 बजे तक मेरे घर पे पहुंच ही जाना है और मेरा सामान है वो लेके आना है, नहीं लेके आया तो मैं तुझे पनिश करूंगा। यस केला, अरे बात समझ में, ठंडपा समझ समझ लो। अब भाई ऋषि खड़ा हुआ है यहाँ पे, ऋषि ने देखा अरे घड़ी में बज रहे हैं 3:55, मतलब मेरे पास है सिर्फ 5 मिनट, मेरे पास है मतलब सिर्फ 5 मिनट। अब ऋषि ने क्या किया, ऋषि ने जो है वो देखा रास्ते कौन कौन से बनते हैं, भाई ये रास्ते बनते ऋषि जी के, 1, 2, 3, 4, अब ये रास्ते बनते ऋषि के लिए, ठीक है। अब ऋषि जो है वो भागा भागा मेरे पास में आया, चलो आ गया भाई, आ गया, हाफ था आप तो 4 बजे आया मेरे पास, हाफ था हाफ था आ गया ऋषि मेरे पास, ठीक है। अब मैंने ऋषि से पूछा, अरे वाह बेटा तू तो 5 मिनट में आ गया, कैसे आया, कौन से रास्ते से आया, वो जो सबसे सीधा रास्ता है, कौन से रास्ते से आया, वो जो सबसे सीधा रास्ता है, डायरेक्शन आ रही है हमारे पास में, है कि नहीं, डायरेक्शन आ रही है हमारे पास है, तो ये भी सारे हमारे पास, पर इसमें क्या है, इसमें बस कोई डायरेक्शन नहीं बोल रहे, हम बोलेंगे भाई वो जो 1 नंबर वाला रास्ता है उससे आए, वो भी तो घूम के आ रहा है, 2 नंबर से आया, 2 नंबर छोड़ो इससे आया मैं, 4 नंबर से आया, वो भी घूम के आ रहा है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है पर्टिकुलर, है कि नहीं, समझ में आई बात में। तो ये जो मैं जब मैं इसकी बात करूंगी तो मतलब मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूंगी, मैं इसकी बात करूंगी या इसकी बात करूंगी, इसकी बात करूंगी स्केलर क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, क्यों, उनमें डायरेक्शन से कोई लोचा नहीं है, उनमें डायरेक्शन से कोई लोचा नहीं है। अगर मैंने इंची टेप से इसको नापना चाहा और नापते हुए क्या हुआ, हल्का सा टेढ़ा हो गया मेरा इंची टेप, यहाँ से बेंड हो गया और ऐसे मेजर किया तो मेरा मेजरमेंट क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मेरा मेजरमेंट क्या होगा, बदल जाएगा, मतलब वो अपना जो वेक्टर पोर्शन है वो छोड़ दिया उसने, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ से अगर हम लेंथ ऑफ पाथ को मेजर करना चाहें तो लेंथ ऑफ पाथ एक तो होता है जो शॉर्टेस्ट है आपके पास में स्ट्रेट टू द डेस्टिनेशन, दूसरा है कोई भी पाथ जो आप टेक कर रहे हो उसका लेंथ हमारे पास। तो लेंथ ऑफ पाथ को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, लेंथ ऑफ पाथ एक होता है आपके पास डिस्टेंस, एक होता है आपके पास में displacement, length of path क्या है, एक होता है आपके पास में distance, दूसरा होता है आपके पास displacement। Now distance क्या है हमारे पास, it is length of path, जो भी length आपने लिया, length of path, कोई भी रास्ता ले लो, चाहे तुम 4 ले लो 3 ले लो 1 ले लो, वो आ गया हमारे पास। displacement क्या होगा, it is length of shortest path, length of भाई जो shortest सबसे सीधा छोटा रास्ता आपके पास में अवेलेबल है, क्या है, length of shortest path, भाई जो सबसे सीधा छोटा रास्ता आपके पास में अवेलेबल है, समझ में आई बात, तो डिरिलर है, वेक्टर है, स्केलर है, वेरी गुड, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इतनी चीज क्लियर, यस, पक्का वाली, यस, एकदम दिमाग में बैठ गई, बैठ गई, चलिए अभी देखते हैं कितनी बैठी है, लेट भी गई है, बिस्तर में घुसा दो, एक बार रजाई उड़ा दो उसको, उसको जो मोशन हो रहा है जाने वाली, बिस्तर में घुसा दो, रजाई उड़ा दो, परमानेंटली दिमाग में बिठा दो, ए भाई यही मेरा घर है, तुझे कहीं नहीं जाना है, एटलीस्ट इस सेशन के लिए तो इस बात को कहीं जाना ही नहीं है, चलो जी समझो जी,
करते हैं हम ए बी सी डी नहीं करा रही हूँ मैं एबीसीडी नहीं करा रही हूँ समझो जरा सी बात को समझो देखो यहाँ पे एक लड़का है मिस्टर रामू ना मेरे राजीव ना मिस्टर लाल हमारे पास एक लड़का है भाई मिस्टर लाल ठीक है और हर एक के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर हर एक के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमीटर अब मिस्टर लालू खाली बैठा है खाली बैठा है कह रहा है एग्जाम सब खत्म हो गए हैं बैठा बैठा बोर हो गया फिर उसने जमीन में लगाया कुछ निशान और कहता है चलो कोई नहीं थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और इस एक्सरसाइज के लिए लालू महाराज पहले गए ए से बी फिर गए बी से सी अब सी से उनका मन मचला और कहते ज्यादा हो गया चल पीछे चल रहा हूँ सी से पहुंचे बी सी में पहुंचे सी से पहुंचे बी पे फिर मन मचला तो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो डी पे जाऊंगा फिर डी पे चला गया फिर कहते हैं नहीं वापिस ए पे ही चलता हूँ भाई यहाँ से छूट के वहीं पे चलते हो बहुत अच्छी बात है हमारे पास में मजा आएगा अच्छा देखो लालू महाराज का हमारे पास में अब दोनों चीज निकालते हैं डिस्टेंस भी निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे लालू महाराज का क्या करेंगे डिस्टेंस भी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट केस में बात करते हैं डिस्टेंस की डिस्टेंस को डिनोट करते हैं डी डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे हम एस से स्मॉल एस स्मॉल एस से हम आगे स्पीड को भी डिनोट करेंगे ठीक है पर नोटेशन है समझ के चलिएगा भाई लालू महाराज गए ए से बी मतलब 1 2 3 3 plus 1 2 3 मतलब 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ तो ए से सी शॉर्टेस्ट पाथ यही है हमारे पास में ए से सी यही है ना शॉर्टेस्ट पाथ और कुछ तो नहीं कर सकता इसी रास्ते से तो जाएगा सीधा रास्ता यही बनता है हमारे पास में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है जो सबसे सीधा जा रहा है यही जा रहा है तो ये भी सही रह गया है कि नहीं ये भी क्या रह गया 6 ही रह गया हमारे पास फिर गया सी से वापस आ गया बी पे सी से वापस आ गया बी पे अब देखो नहीं समझो इस चीज को मोशन तो क्या काउंट होता है स्टार्टिंग से काउंट होगा है कि नहीं मोशन तो स्टार्टिंग से काउंट हो रहा है हमारे पास में तो हमारे पास अब क्या हो गया अब हमारे पास में डिस्टेंस क्या होगा भैया डिस्टेंस क्या होगा पहले गया ए से सी और फिर सी से आया बी तो ये डिस्टेंस कितना है 6 ये डिस्टेंस कितना है 3 कितना हो गया 6 plus 3 9 आई बस मैं मेरा कौन सा खिला के रह गया देखो सी से तो बी पे गया तो फिर तो माइनस होना चाहिए बेटा डिस्टेंस क्या होता है लेंथ ऑफ पाथ डिस्टेंस क्या है लेंथ ऑफ पाथ रास्ता क्या लिया वो बात कर रहे हैं हम रास्ता क्या लिया उसकी बात कर रहे हैं हम तू गया अपने फ्लोर पे मम्मी मैं जा रहा हूँ चौथी मंजिल वाली आंटी के पास नहीं उन्होंने ना गुजिया बनाई है खाने जाना है मुझे फिर भैया भागते हुए गुजिया लेने के लिए आंटी के पास में मेरा डिस्टेंस क्या हुआ ग्राउंड फ्लोर से आंटी तक फिर तू वापस आ गया अपने फ्लोर पे अब तूने कितना डिस्टेंस कितनी सीढ़ियां तय करी पहले यहाँ से अपने घर तक करी फिर अपने घर से चौथी मंजिल की आंटी तक की फिर वापस अपने उतनी सीढ़ियां तय करी ना तो मोशन तो पूरा हो गया हमारे पास में हमारी बात समझ में तो लेंथ ऑफ पाथ ऐसे गए सीधा फिर यूटर्न मार के आ गए बी पे तो डिस्टेंस कितना हुआ 6 plus 3 9 पर जब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ तो भाई अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या है जो ए से बी आपके पास में पाथ है ए से बी कितना है भाई 3 सेंटीमीटर तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर समझ में आई बात पक्का ऐसी आवाज आओ भाई कहता है बी से भागूंगा मैं डी पे आके भी मन नहीं रुका डी पे आके भी मन नहीं रुका कि नहीं नहीं यहाँ नहीं रुकूंगा अभी जाता हूँ बी तक तो
तो यहाँ तक बी तक आया था, कितना डिस्टेंस था? 9। कितना था? 9। 9 से गया है बी तक, तो 3 + 2 = 5, 14 cm। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अच्छा नहीं, देखो 14 तो बी तक हुआ, पर डी से वापस ए भी आ गया, फिर तो कहीं डी से वापस ए आ गया, तो कितना है? 3, 3 और 2, 8, तो +8 मतलब 22 cm। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच में? शुरुआत की पोजीशन और आखिरी पोजीशन। शुरू किया ए से, वापस कहाँ आया? ए पे, तो कितना डिस्टेंस? जीरो। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, शॉर्टेस्ट पाथ, इतने ही खड़ी हूँ, इतने ही रहना है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? कुछ भी नहीं है भाई, इतने ही रहने। आ रही बात समझ में? तो क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो। दूसरी बात समझो, डिस्प्लेसमेंट दूसरे तरीके से है क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल पोजिशन माइनस फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, शुरुआत की पोजिशन। आगे बात समझ ले, जैसे अगर इसको नंबर लाइन मान ले तो 0, 1, 2, 3। अब देखो कितनी बार हमें पीछे का देखना पड़ा, हमें डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ा। यहाँ पे फाइनल पोजिशन क्या थी? 3। इनिशियल पोजिशन क्या थी? 0। 3 - 0 = 3, 3 - 0 = 3। अब देखो ए पे था, पूरा मूव करके आया, ए पे आ गया, फाइनल पोजिशन 0, इनिशियल पोजिशन 0, 0 - 0 = 0। बात समझ में आई? अब मान लो इससे पीछे भी रास्ता है, ये ले लेते -1 - -2, कहते हैं भाई ए पे नहीं रुका, यहाँ पे पॉइंट है ई, मैं पहुंच गया ई तक, वापिस आ गया। अब इनिशियल पोजिशन देखो, डिस्टेंस तो क्या हो रहा है? डिस्टेंस हो गया कितना था? 22। 22 प्लस कितना? 1, 2 ये डाली में 24 cm। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इनिशियल पोजीशन क्या है? 0, सॉरी फाइनल पोजीशन क्या है? -2। इनिशियल पोजीशन क्या है? 0, 0। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ गया? -2 cm। आई बात समझ में? पक्का? तो जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें तो देखिए, डिस्टेंस का लेंथ ऑफ पाथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस क्या है आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी हमारे पास में। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास में? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास में? वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके साथ देखो, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हुआ है? क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हुआ है? डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। आधी बात समझ में हो रही है? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस देखो कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है, क्यों? डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होते ही क्या हमारे पास में नहीं? कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है। क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? हाँ। क्या डिस्टेंस जीरो हो सकता है? नहीं। क्या कर रहे हैं यार? जानबूझ के कह रहे हैं, जल्दी से नहीं हुआ, कटाई हो जाएगी अभी। हाँ भाई, क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, सॉरी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेंथ ऑफ पाथ, अगर आप एक मिनट भी चले तो भी कुछ पॉइंट का डिस्टेंस आपने मेजर किया है आपके पास में, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। पर क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जीरो हो सकता है? यस। कब? जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है। कैन बी नेगेटिव और एंड जीरो। समझ में आई बात? पक्का वाली घुस गई अंदर यहाँ पे एकदम एकदम बढ़िया तरीके से। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्लियर, मोशन क्या होता है क्लियर, कितने टाइप के मोशन का क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई शंका? पक्का? तो यहाँ तक का रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में स्पीड और वेलोसिटी करें।